Over to you, Zessa. ये सब को होस्ट है करिए अपना माइक बंद कर दीजिए। Assalamu alaikum and let's resume our session. This is Zahid Rasool Buraya. Once again, I take the opportunity to welcome you all. Sir Bhatsha, assalamu alaikum. Can you hear me, sir? Sir, I think you are mute, sir. Andi, walaikum assalam ji. Sorry, wo mute tha uska. Sir, thank you, sir. Actually, the dear worthy participants, as you know, we have a very legendary speaker with us, Sir Naleem Bhatt Sahib. So automatically, you should have come to know that we are going to have a session on taxation. Jahan Bhatt Sahib hote hain, taxation jo hai wo lazmi rehti hai. So aaj jo hamara session hai, that is about Income Tax Amendment Ordinance 2022. Before moving further, I believe there is no need to introduce about a speaker because he is उस्तादों के उस्ताद जी, मेरे भी उस्ताद हैं और बहुत से हम ऐसे वर्की पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनके सर Bhatt Sahib उस्ताद हैं, but as a formality, just let me introduce Sir Naleem Bhatt Sahib. He is a practicing fellow member of ICAP. He is also fellow member of IFFA. Mainly his core specialties are in audit, income tax, sale tax and other corporate affairs. He is chairman of Lahore Tax Bar Association Tax Academy for a very long period, starting from 2018 till this year 2022. He is also a member of Lahore Chamber of Commerce and Industry Finance Taxation and Sale Tax Committee. He remained a member of ICAP Publication Committee from 2017 to 2018, and a member of the NRC ICAP Practice Board Committee from 2018 to 2020. He's a lifetime member of the Lahore Tax Bar Association and Multan Tax Bar Association. Above all, he is a great teacher and have over 25 years of experience. So let me, sir, it's over to you for the today's presentation. Just after the session, sir, we will have a question and answer session. And at the end, we will have a closing remark from our convener PIFFA Lahore branch committee. Sir, it's over to you for your presentation. जी ठीक है। मैं पहले सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जी PIFFA फैसलाबाद ब्रांच का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस पे अपने जो शेयरिंग कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं जी, ताकि ये जरा चेक कीजिएगा जी, स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर, स्क्रीन इज शेयर्ड सर। अच्छा चले, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी, नाम आपको पता है इसका, जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस 2022 है, ये 2 मार्च 2022 को इफेक्टिव हुआ है। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू आया, ठीक है। इसकी मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली आया तो कैबिनेट ने, ये आपकी फेडरल कैबिनेट ने 1 मार्च 2022 को अप्रूव किया था, और इसका नाम बेसिकली है प्रमोशन पैकेज फॉर इंडस्ट्री। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, जो कि 2 मार्च 2022 से इफेक्टिव हुआ है। और इसमें ऑब्वियसली जो आपके प्रेजिडेंट है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पावर को यूज करते हुए इसको इन्फोर्स किया है। बेसिकली इसकी आपको पता है 120 दिनों तक इसकी अप्रूवल हो जानी चाहिए। तो जैसे ही अगला आपका इंशाल्लाह बजट आएगा, उसके अंदर इसकी अप्रूवल हो जाएगी, वो तो अपनी जगह पे चलता रहेगा। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या जी इसका, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, अगर मैं सीरियल वाइज चलूं तो रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट है,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैविंग डिक्लेयर्ड फॉरेन एसेट्स है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। बेसिकली तीनों में ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को रिवाइवल करने के लिए और जॉब क्रिएशन पर्पज के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब मैं आपको इसकी जरा लिस्ट दिखा दूं क्या क्या है इसके अंदर। ये मैंने एक चार्ट बनाया जी आपकी और सबकी आसानी के लिए, आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया बेसिकली के सेक्शन इधर रख दिया जी, 59 सी है जो के मैं आपको एग्जैक्टली दिखा भी देता हूं। ये आपका पहला जी कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेज ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये 59 सी है। फिर हम बात करेंगे टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन 65H है, और फिर हम तीसरे नंबर पे 100F जो आया है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन है। इसी तरतीब में मैंने एक चार्ट बनाया आसानी के लिए अपनी और आप लोगों के लिए। उसमें 59 सी यूनिट वाला पहले है, 65H जो बाहर से पैसा आना है वो इसमें है, और 100F जो है वो इसके अंदर मैंने जो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा एलिजिबल पर्सन करेंगे। इन तीनों में एक चीज कॉमन है वो ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर ही होने है। कंपनी एक, अब मैं चूंकि चार्ट बनाया हुआ है इसलिए मैं आपको पहले ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि किसको ये अवेलेबल है। कंपनी को अवेलेबल है, कंपनी इन्वेस्ट करेगी कंपनी के अंदर, और 65H में कंपनी जो है वो नई कंपनी के अंदर इसमें पैसा आएगा जो लेकर आएगा वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्पेसिफाइड जो इंडिविजुअल होंगे वो पैसा लेकर आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के अंदर, और इसमें एलिजिबल पर्सन जो होगा वो पैसा लेके आएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली नई या पुरानी कंपनी के अंदर होगी। किसको ये अवेलेबल नहीं है अदर देन ए कंपनी, इसमें से निकल जाएगा। अदर देन स्पेसिफाइड रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल भी निकल जाएगा, और इसमें एक्सक्लूजन जो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है 100F के अंदर वो आपको पता है पर्सन भी है, सेक्टर भी है और इनकम्स भी है। थर्ड है जी वाई अवेलेबल, ये पहले का जैसे पर्पज बताया रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट है। दूसरे का पर्पज क्या है कि फॉरेन रेमिटेंस जो है पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट हो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मैं बताता चलूं कि 65H ओनली फॉर न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, जबकि 100F के अंदर जो पैसा आप लेकर आएंगे वो नई और एग्जिस्टिंग यूनिट में यानी जो ऑलरेडी बनी हुई है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग उनमें किया जा सकता। नंबर फोर वेन अवेलेबल, 2023 से ऑनवर्ड है और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है, वो मैं आपको साथ साथ इसके जैसे जैसे आएंगे आपको कराता जाऊंगा। अब हाउ अवेलेबल है, अब इसमें क्या है कि सिक यूनिट का जो लॉसेज होंगे ब्रॉड फॉरवर्ड वो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी उसमें ट्रांसफर किए जाएंगे, उस सरेंडर किए जाएंगे 3 साल के लिए और वो अपनी इनकम के गेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर वो बाकी डिटेल बाद में करते हैं। और दूसरा फिर इसमें है जो आपका 65H है, इसमें 100% टैक्स क्रेडिट मिलना है, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट का 100% टैक्स क्रेडिट होगा, और इसमें आगे जाके कैरी फॉरवर्ड भी है वो नीचे आपको नजर आएगा। और थर्ड में आपने क्या करना है कि 5% जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है उसका आपने स्टेट को 30 सितंबर 2022 से पहले उसकी पेमेंट करके तो उसकी डिक्लेरेशन कर देनी है। और लास्ट है इसका कि जो चार्ट मैंने बनाया शॉर्ट, बेनिफिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, पहले में ये जिस साल में आया और अगले 2 साल के लिए टोटल 3 साल के लिए ये कंपनी को मिलेगा कि सिक यूनिट का लॉसेस को वो एब्जॉर्ब कर ले या एडजस्ट कर ले, और इसमें अगले 5 साल के लिए है, अगर जिस साल में क्रेडिट मिला अगर एडजस्टमेंट ना हुई या कम हुई तो वो कैरी फॉरवर्ड होके, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट उतनी होगी जितनी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं है, एलिजिबल पर्सन है, ये तो 5% है। ये जी एक चार्ट था, अब मैं इसके आगे चलता हूं नेक्स्ट। ये मैंने लिंक लगाए हुए हैं आपको फाइलें, इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये फाइल जो है आपको मिल जाएगी। ये जी पहला अब आपका आपके सामने है, ये पहला सेक्शन है 59C कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस ऑफ सिक्स इंडस्ट्रियल यूनिट। इससे पहले कि आप इसको पढ़े, ये 7-7 सेक्शन है इसके अंदर जो ये बताते हैं कि एक कंपनी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट के लॉसेस को कैसे टेक ओवर करेगी, उसको सरेंडर करेगी बेसिकली, फिर उसकी बाकी जो करते करते हम 7 तक सारे पॉइंट कवर करेंगे। अब मैं इसकी स्लाइड को क्लिक करूंगा जी तो मैं इसके इसके ऊपर पहुंच जाऊंगा जो इससे रिलेटेड मेरा हो। पहला जी कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट 59C, मैंने हेडिंग बना दी है एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस फॉर 3 टैक्स ईयर्स सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 को, उसको साथ पहले आप पहले पढ़ेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस है मेट करने के बाद अगर एक कंपनी अक्वायरिंग कंपनी जो है
अक्वायर कर लेती है स्कीम ऑफ एक्विजिशन में मेजोरिटी शेयर कैपिटल, मेजोरिटी मीन 50 प्लस जो होगा वो मेजोरिटी शेयर कैपिटल होगा अनदर कंपनी का, जो कि सिक यूनिट होगा, इंडस्ट्रियल यूनिट। इसमें सिक यूनिट की डेफिनेशन आगे गिवन है, मैं आपको बाद में करवाता हूँ। हियर इन रेफर टू एज ए अक्वायर्ड कंपनी, और अक्वायरिंग कंपनी क्या करेगी, एंटाइटल टू लॉस फॉर द लेटेस्ट एक्स ईयर एंड ब्रॉड फॉरवर्ड असेस बिजनेस लॉसेस एक्सक्लूडिंग कैपिटल लॉस ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन सबसेक्शन 50, जो सेक्शन आपका 57 है। यानी क्या होगा कि एक कंपनी जो बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है वो एक सिक यूनिट का को मेजर शेयर होल्डिंग को अक्वायर करेगी, और उसका जो लॉस होगा उसको 3 साल के लिए सरेंडर किया जाएगा, लेटेस्ट भी और ब्रॉड फॉरवर्ड भी, और बट एक्सक्लूडिंग कैपिटल लॉस को निकाल के और सेक्शन 57 के मुताबिक। अच्छा जी, दूसरा जी इसका प्री कंडीशन क्या है, जो भी सबसेक्शन 2 की बात हो रही थी, इसमें 3 कंडीशन है जी। पहली गलत बात तो ये है कि कंटिन्यूड ओनरशिप 5 ईयर हो गए 23 से लेके, यानी 23, 24, 25, 26, 27 तक कंटिन्यूड ओनरशिप होना 5 ईयर के लिए वो जरूरी होगा, यानी मेजर शेयर होल्डिंग जो उसके पास आएगी जो कंपनी अक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी। नंबर 2, इसके ऐसा 2026 से पहले जो अक्वायर्ड कंपनी है वो उसके नहीं बेचे जा सकते, और फिर इसमें जो बिजनेस है उसका वो भी 30 से, दोनों की बाई चांस दोनों की डेट सेम है कि 30 जून 26 तक जो अक्वायर्ड कंपनी है उसका बिजनेस अक्वायरिंग कंपनी जो है वो कंटिन्यू करेगी। ये था जी 2 सबसेक्शन। आगे आ रहा हूं मैं 3 की तरफ, आप देख सकते हैं इफ लॉसेस नॉट फुली एडजस्टेड ड्यूरिंग द सेट 3 ईयर। इसमें सिंपल यह कि अगर आप 3 साल में वो लॉसेज एडजस्ट नहीं कर पाते तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए या जो भी टाइम लिमिटेशन 57 प्रोवाइड करेगा, डेपिसिशन में आपको पता अनलिमिटेड लाइफ है, तो वापस 3 साल के लिए लॉस आ जाएगा और 6 साल के इसका टेन्योर जो है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, सॉरी मैं वापस आता हूँ जी। ये आपका था जी 3rd। 4th है जी कंप्यूटेशन ऑफ लॉसेस। अब लॉस कैसे कैलकुलेट होना है जी, मसलन अगर एक सिक यूनिट के टोटल लॉसेज अवेलेबल है वो है 100 मिलियन के, आपने लिया है 60% अगर शेयर लिए हैं तो लॉसेज भी 60% ही आपको मिलेंगे। ये बड़ा सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता हूं, अगर आप सिक यूनिट को रिवाइव नहीं करेंगे तो 27-26 तक की डेट है जी टैक्स ईयर 30-6-2026 तक, आप उसको रिवाइव करना है आपने सिक यूनिट को, और अगर आप ना कर पाए तो 30 जो टैक्स ईयर 2027 होगा जितना आपने बेनिफिट लिया होगा लॉसेस को सेट ऑफ करके वो रिवर्स हो जाएगा। नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन जी, ये स्कीम ऑफ अमलगामेशन और मर्जर पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आरएलडीबी स्कीम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 59ABC जो अवेलेबल है उसमें अवेलेबल है, तो ये उन पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, इसमें 2 चीजें उन्होंने बताई है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सबसेक्शन 7 में कब समझा जाएगा कि सिक यूनिट रिवाइव हो गया और सिक यूनिट की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, कब सिक यूनिट रिवाइव हो जाएगा, असल में पॉइंट ये है कि अगर आप अक्वायर करने के बाद आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कम से कम इतनी आपने अचीव करनी है जो सिक यूनिट बनने से पहले उस सिक यूनिट ने अचीव की थी। मसलन अगर सिक यूनिट 3 साल बाद सिक यूनिट बनता है तो पहले 2 साल में या 3rd साल में सिक यूनिट बनने से पहले अगर उसने 70% प्रोडक्शन अचीव की थी तो आपने उसको उसकी मेजर शेयर होल्डिंग को करके तो उसको 70% एटलीस्ट अक्वायर कर उसकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करना है, और प्लस इसका जो सर्टिफिकेट है वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से लेना है, और उसको 2026 की रिटर्न के साथ आपने फाइल भी कर देना है। उसकी डेडलाइन जो है 30 जून 2026 है। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट कौन है जी, इसमें कंपनी है बीइंग एन इंडस्ट्रियल टेकिंग, उसमें तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर मेट होगी, ध्यान में रखिएगा और वर्ड चल रहा है एंड नहीं है। पहले में क्या है कि आपने 3 साल लगातार 30 जून 2022 तक प्रायर टू 1 जुलाई 2022 अगर आपका जो लॉसेज है accumulated, वो इक्वल और एक्सीड करेंगे entire capital और एंड रिजर्व ऑफ दी कंपनी जो आपने acquired की है तो फिर आप सिक यूनिट बन जाएंगे। पहले केस में लगातार 3 साल है जी वर्ड इसमें जो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स है, नंबर 1। या आप अगर आप बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कंपनी के डिफॉल्टर हैं लगातार 3 सालों में बिफोर दी एक्विजिशन, या आपको गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती नोटिफिकेशन में, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन करके, तो तब भी आप 2, 1 या 3 जो भी कंडीशन का मेट करेंगे तो आप उसको सिक यूनिट कहेंगे। अच्छा जी, अब मैं आता हूं, ये आपका था जी पहला जो सेक्शन इंसर्ट हुआ है। बेसिकली 5 पॉइंट है, 3 सेक्शन इंसर्ट हुए हैं, 216 सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 2 जो है उसको चेंज किया गया है,
और की इश्यूज मैंने इसके आपस में वो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। तो ये चार चीजें मेन चीजें, पहला आपका पूरा हो गया जी, अब मैं जा रहा हूँ टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रपोजल के लिए। इसके पांच सब सेक्शन आपके सामने है। पहला क्या जी आपके सामने है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिटीजन होगा जो कि कंटिन्यूसली पांच साल से ज्यादा नॉन रेजिडेंट हो, या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉरेन एसेट जो डिक्लेयर किए होंगे इन टर्म्स ऑफ 116 में टोटल एसेट्स आपको पता है ये होते हैं, लोकल प्लस जो फॉरेन है और डोमेस्टिक प्लस जो फॉरेन है, और 116 ए में सेपरेट आपको पता है स्टेटमेंट जाती है जिसमें कि फॉरेन एसेट्स आपके डिक्लेयर किए जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मेट हो जाए या दोनों हो जाए तो ये सिर्फ उन्हीं नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा जो इसमें फॉल करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, वो कंपनी में नई कंपनी में पैसे लगाएंगे जो कि बनेगी 1 मार्च 2022 के बाद, ऑन और आफ्टर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी, और वो क्या करेगी उसका 50 मिलियन कम से कम पैसे आप इसमें डालेंगे और प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू लेकर आएंगे। जो अभी के ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल अब वो वाला नहीं है जो 111 वाला आप यूज करते हैं, इसमें स्टेट बैंक आपको बताएगा अभी प्रिस्क्राइब करेगा कि किस तरीके से आप पैसा पाकिस्तान में लेकर आएंगे, और वो है जी उसकी डेडलाइन जो है 31 दिसंबर 2022 तक है। अब उसका क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 100% टैक्स क्रेडिट होगा जो रुपीज में अमाउंट आएगी, और अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट वो एडजस्ट कर सकता है, और कब से शुरू होगा जब कमर्शियल प्रोडक्शन उसकी कमेंस हो जाएगी। ये पहला था जी आपका एलिजिबल पर्सन का। दूसरा जी कैरी फॉरवर्ड, अगर आप उस साल में एडजस्टमेंट ना कर सके जिस साल में आपने इन्वेस्टमेंट की है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करके, तो फिर अगले 5 साल में आप उसको जाके आगे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट अगर फर्ज करें आपने 100 मिलियन लगाया है तो 100 मिलियन से ज्यादा आपको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा जी मैं वापस आता हूँ थर्ड पे, नॉन एप्लीकेशन जी, अगर आपने कोई कंपनी स्प्लिट करके या रिकॉन्स्टिट्यूट की या आरआरडी में रेजिस्टेंस हुई या ट्रांसफर ऑफ मशीनरी फ्रॉम इंडस्ट्रियल टेकिंग जो कि आरआरडी कंपनी बनी हुई है, तो तब आप इसके अंदर फॉल नहीं करेंगे क्योंकि एक नई कंपनी का बनना इसमें लाजमी है। फिर है जी एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, आपने जो कमर्शियल प्रोडक्शन है बड़ी थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया है कि 30 जून 2024 से पहले पहले या इस डेट तक आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, वरना आप इसके अंदर फॉल नहीं करेंगे। रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये बिल्कुल 65BD की तरह के, अगर बाद में ये पता चलता है कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू को कि कोई भी कंडीशन या कंडीशन आप मैट नहीं कर रहे तो जो बेनिफिट फिर पहले आपने लिया होगा वो रिवर्स कर दिया जाएगा। ये थे जी आपके 65H। अब मैं आ रहा हूं 100F की तरफ, जो स्पेशल प्रोविजन है इसमें कोई भी एलिजिबल पर्सन जो है वो पैसा लगाएगा और पैसे पर 5% वो स्टेट को पे करेगा और उसकी उसको फिर वो और वो फिर पैसा जो होगा आगे कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करेगा। वो क्या है वो भी देख लेते हैं आपके सामने। ये जी इसमें वर्ड है एलिजिबल पर्सन, पहली बात तो ये। अच्छा मैं इससे पहले के आगे चलूं, पहले दो सेक्शन में आपने ध्यान में रखिएगा सोर्सेज आपके पास होना लाजमी है, उसमें सोर्सेज के बगैर आप 59C या 65H में नहीं आ सकते। लेकिन ये जो सेक्शन है इसमें सोर्सेज वाइड करने की ऑप्शन है, पहले दो में नहीं है। अब तीसरे के अंदर एलिजिबल पर्सन होगा जो 30 सितंबर 22 तक अपने फंड जो है वो डिक्लेयर करेगा, और ये फंड्स ऑलरेडी आपकी 21 तक की रिटर्न में डिक्लेयर नहीं होने चाहिए, पहली बात तो ये, यानी नया पैसा आना चाहिए नई कंपनी में। अच्छा इसमें मैं दो चीजें बताता चलूं, इसमें नई कंपनी भी शामिल है और एग्जिस्टिंग कंपनी भी शामिल है, थोड़ा सा एक फर्क है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो इस सेक्शन में दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा अब क्या होगा जी, अब आप उसी तरह बैंक डिपॉजिट करेंगे, 50 मिलियन की इस तरह लिमिट है, नई कंपनी के अंदर पैसा आएगा और वो पैसा सिर्फ आप परचेज या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल टेकिंग के लिए यूज करेंगे, और मिनिमम अमाउंट 50 मिलियन के बराबर या ज्यादा आप ला सकते हैं 65H में और 100F के अंदर। अगर इससे कम हुआ तो वो इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। प्री कंडीशन क्या जी, इसकी अमाउंट 5% आपने पे करना है। आप फर्ज करें आप 100 मिलियन लगाते हैं तो 100 मिलियन का 5% आपको पता है वो 50 लाख मेरा ख्याल है बच जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी मैं आगे चलता हूँ, ये मैं आप आगे चलता जा रहा हूँ, वैसे लिंक लगे हुए हैं ये आप जा सकते हैं ऊपर। ये दूसरे दो पहले आपके सबसेक्शन हो गए। प्री कंडीशन टू वेल मिनिस्ट्री क्या जी, कमर्शियल प्रोटेक्शन उसी तरह 30 जून 2024 से ऑन और बिफोर आपने पहले स्टार्ट करनी है जैसे 65H में था। ईडीपी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना है और उसको आपने लगा देना रिटर्न के साथ,
और अपनी रिटर्न जो 24 की होगी उसके साथ, क्योंकि डेडलाइन 24 है, उस तक आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए। नंबर फोर, इसमें जी कोई आपको अमाउंट जो आप पे करेंगे रिफंड या एडजस्टेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अंदर आ गए तो अमाउंट वैसे एडजस्ट हो जाएगी, और अगर आप बाहर निकल गए तो ना वो रिफंड दे रहे हैं और ना ही उसकी एडजस्टमेंट आपको दे रहे हैं। इसमें मैं बाद में एक पॉइंट ऐड करूंगा। नंबर फाइव, इम्पैक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑन इनकॉर्पोरेशन। ये बिल्कुल एमनेस्टी की तरह, अगर आपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, जो भी आपने पैसा लेके आना है, तो डबल एंट्री में आपको पास आउट कर देता हूँ। सबसे पहले आप पहली एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट टू टैक्स में जो इनकम आपकी आएगी उसको आप क्रेडिट कर देंगे, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, ताकि आपकी वेल्थ नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि पैसा जब तक इसके थ्रू इन नहीं होगा आप आउट नहीं कर पाएंगे, वरना वेल्थ आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। जी ये आपके थे जी पांच। नंबर सिक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये, कौन एलिजिबल नहीं है। इसमें तीन कैटेगरीज बनी हुई है, ज़हन में रखिएगा, सब सेक्शन जो इसका सिक्स है। एक पर्सन है, ये वो लिस्ट है, पांच ये लोग है, ये दो वो है जो प्रोसीड है, और आठ वो सेक्टर है जो इसके अंदर नहीं आ सकते। सो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक कंपनी है, अगर आप 18 या 19 में टैक्स डिक्लेयर कर चुके हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम, या आपने डिफॉल्टर है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन लास्ट थ्री ईयर्स में, कंजेक्टिवली जरूरी नहीं है किसी एक में भी अगर है, और आखिरी क्या कि डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी जो है जो कि बैंक डिफॉल्टर हो गया हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का विद इन लास्ट थ्री ईयर्स, तो ये पांचों जो लोग हैं ये इसके अंदर नहीं आ सकते। इसी तरह प्रोसीड ऑफ क्राइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये अमाउंट की बात हो रही है, कौन सी अमाउंट नहीं हो सकती। इसी तरह डिपार्टमेंटल ऑफ कोर प्रोसीडिंग अगर चल रही है और 50 मिलियन से नीचे, वो तो वैसे भी नहीं आ सकता, ये मैंने खुद ऐड किया है। और ये आठ सेक्टर हैं, आप देख सकते हैं, आर्म्स एंड म्यूनिशन, एक्सक्लूसिव, शुगर, सिगरेट्स, क्रिएटेड बेवरेजेस, फ्लोर मिल, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो है, एक्सक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन जो यूनिट्स हैं, ये तीन कैटेगरी इसके अंदर फॉल, वो एलिजिबल पर्सन में नहीं आएंगे। ओवरराइडिंग इफेक्ट जी, आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और किसी को भी ये लीक आउट नहीं किया जाएगा, ये ओवरराइडिंग हो गया। वैलिडिटी जी, अगर आपने इसमें वैलिडिटी डिक्लेरेशन क्या है जी, न्यूली फॉर्म अंडरटेकिंग जो है वो अगर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करती उसकी डिक्लेरेशन वैलिड नहीं रहेगी। दूसरा, ओनरशिप जो है वो 30 जून 26 से पहले जो आप कंपनी ले रहे हैं उसमें उसकी ओनरशिप में चेंज नहीं आएगी, यानी शेयर होल्डिंग में चेंज नहीं होगा। और न्यूली जो अंडर फॉर्म अंडरटेकिंग होगी उसके एसेट प्रायर टू 30 जून 26 से पहले आप नहीं बेच सकते। 10 है जी मिसरिप्रेजेंटेशन, ये एमनेस्टी की तरह इसके अंदर भी है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट होगा तो ये समझा जाएगा कि जैसे ये डिक्लेरेशन फाइल हुई ही नहीं है, लेकिन ये आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ये विदाउट प्रोवाइडिंग डिक्लेरेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, जो कि होना चाहिए था, बाकी क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फॉर्म एंड मैनर जो है वो, क्योंकि इसका फॉर्म है डिक्लेरेशन जानी है, तो वो बोर्ड जो है बाद में स्पेसिफाई करेगा। 12 जी, ये जैसे मैंने पहले बताया कि एग्जिस्टिंग यूनिट के ऊपर भी ये अप्लाई होगा, सब कुछ सेम है, नई में आप इन्वेस्टमेंट करें या एग्जिस्टिंग में करें, फर्क सिर्फ ये है कि एग्जिस्टिंग के अंदर ये होगा कि आपको आईटी हार्डवेयर थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट या सॉफ्टवेयर या आईटी सर्विसेज जो है वो भी इसमें शामिल की गई है, जबकि पहले वाले में इनको शामिल नहीं किया गया। बाकी सारा उसी तरह ही है, पैसा आएगा, लगेगा, शेयर होल्डिंग होगी, प्री कमेंसमेंट है, सब कुछ उसी तरह ही है। अच्छा जी, नंबर 13 है जी, डेफिनेशन है इसमें, ये पांच डेफिनेशन है। डिक्लेरेशन जो करेगा वो डिक्लेरेंट है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो 2018 में टैक्स में डिक्लेयर हुआ है वो है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है वो बाद में करते हैं। इंडस्ट्री अंडरटेकिंग की इसकी डेफिनेशन उन्होंने अलग से दी हुई है, मींस द कंपनी बीइंग अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो सेटअप करेगी सेक्शन के लिए और स्प्लिटिंग या रिकॉन्स्टिट्यूशन या वो ट्रांसफर ऑफ की मशीनरी की वजह से वो इसमें नहीं आ सकते। इन्वेस्टमेंट कौन है जी, इन्वेस्टमेंट मींस इक्विटी एंड डज नॉट, इसमें बोरोड फंड्स और लैंड की इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है। आप जितना भी पैसा है, चाहे आप दूसरे में है 65H में या इसमें, वो प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होगा, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आईटी और आईटी से रिलेटेड जो है वो एग्जिस्टिंग कंपनी में भी पैसा लग सकता है, लेकिन लैंड और बोरो फंड्स को निकाल के। मॉडर्नाइजेशन में जी आपकी एक्विजिशन या उसकी अपग्रेडेशन ऑफ आईटी या आईटी सर्विसेज है। इसके बाद 216 का जैसे मैंने कहा सबसेक्शन 2 रिप्लेस हो गया है, कि उन्होंने कहा जी आपकी किसी भी पब्लिक सर्वेंट से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हैं जी जो मैंने बनाए हुए हैं वो मैं शेयर कर लूं तो फिर मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला हाउस ओपन कर दूंगा। ये डेफिनेशन उसी की जो पब्लिक होल्डिंग जो ऑफिस था।
इंडस्ट्रियल रेटेकिंग की जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी आपको पता 29C में अवेलेबल है। हाँ जी, की इश्यूज जो मैं आपसे देखिये, दो तो ऐसे की पॉइंट्स हैं जो तीनों के सेक्शन के अंदर कॉमन है, मैंने सेक्शन वाइज इसको बनाया है। एक तो ये है कि इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन और जो रिवर्सल होनी है, अगर कल को आप कंडीशन मेट नहीं करते तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, चाहे 59C में बेनिफिट लिया हो या 65H में हो या 100F में हो। तो इसकी पावर हम सजेशन ये दे रहे हैं कि वो चीफ कमिश्नर विद दी अप्रूवल ऑफ FBR होना चाहिए, सिर्फ कमिश्नर इनर रेवेन्यू के पास नहीं होना चाहिए, वरना वो डिस्प्यूट आपको पता है काफी अराइज हो जाते हैं। अब आते हैं पहला जी, ये पहला जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है, इसमें इंडिविजुअल और AOP शामिल नहीं है। नंबर टू, और 57 सेक्शन के मुताबिक आपके लॉसेस की एडजस्टमेंट होनी है। ये कंपनी टू कंपनी है, कंपनी टू AOP या AOP टू कंपनी नहीं हो सकता, इसमें फैसिलिटी फिलहाल नहीं है। मैंने दूसरा पॉइंट दिया आपको सोल पार्टनरशिप, और क्योंकि सिक यूनिट तो सोल पार्टनरशिप और AOP भी हो सकता है, लेकिन उसको ये बेनिफिट इसमें अवेलेबल नहीं है। रिवर्सल वाला मैंने पहले कर दिया है। अब मेजर शेयर होल्डिंग है 50% प्लस होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी शेयर ज्यादा आ रहे हैं, जिनके पास 50% से ज्यादा है, तो क्या ये लॉ उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा सिक यूनिट वाला? अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ। की इश्यूज जो रिलेटेड है जी 65X से, पहली बात तो ये है कि ये स्पेसिफाइड रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, वो पैसा लगाएंगे और किसी को नहीं है। दूसरा, इसी पिछले की तरह इसमें भी जो सिर्फ इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी भी नहीं है, इसमें सोल पार्टनरशिप भी नहीं है, इसमें AOP भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद लैंड का इसमें इंटीग्रल पार्ट जो है वो मिस कर दिया, उन्होंने कहा जी उसको वो FATF की रिस्ट्रिक्शन है कि लैंड को इसमें बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, वो अपने रिसोर्सेज से आप क्रिएट करें। रिवर्सल का मैंने पहले कर दिया। स्टेट बैंक बाद में बताएगा कि पैसा कैसे लेके आना पाकिस्तान में, वो अभी रूल्स इसके बनने बाकी हैं। फिर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, अगर मुझे एक कंपनी एक दफा बनाने के बाद में पैसों की जरूरत है तो उसके इसके अंदर उसको वाइड करने का कोई तरीका नहीं बताया गया। कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन आपको पता है 30 जून 24 या पहले से पहले इतनी जल्दी स्टार्ट करना, कंपनी लगाना, इंस्टॉल करना, अप्रूवल लेना इतना आसान काम नहीं। FAQs जी सबके अंदर कॉमन है। हम ये चाह रहे हैं कि FAQs को क्वेश्चन आंसर की शक्ल में जरूर ले, लेकिन वो आना चाहिए सर्कुलर या नोटिफिकेशन के थ्रू उसको आना चाहिए। कल क्योंकि FAQs लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कल को फिर आपकी लड़ाई पड़ जाएगी, वो कहेंगे जी ये तो हमने वैसे ही आपको कहा था, ये ओपिनियन नहीं थी हमारी। जी लास्ट है जी आपका जो 100F है, उसमें एलिजिबल पर्सन को अवेलेबल है और उसमें सिर्फ कंपनी को अवेलेबल है जो जिसमें इन्वेस्टमेंट होनी है। एलिजिबल पर्सन कोई भी हो सकता है अगर वो एक्सक्लूजन में ना गया। अगर आप एग्जिस्टिंग में करेंगे तो अपने ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ाना है, उसकी भी पेमेंट को जरा देर में रखिएगा। 5% जो फंड है उसको शामिल करके आपने अमाउंट वाइड करनी है, वरना वो पैसे कम हो जाएंगे। ये मतलब 50 मिलियन है तो 5% है तो 25 लाख बनता है, तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़े ज्यादा वाइड करूं ताकि 5% की पेमेंट जो है उसको भी कवर कर, या अगर नहीं तो अगर आपके पास रिसोर्सेज है या लोन ले सकते हैं तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। इसमें सोल पार्टनरशिप और AOP को नहीं है, वो मैंने पहले कह दिया है। लैंड शामिल नहीं है। अच्छा, इसमें बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा वो ये है कि इसके अंदर ये जो आपका अदर लॉज है ना, सेल टैक्स या एंटी मनी लॉन्डर, उससे प्रोटेक्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। रिवर्सल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर चीफ कमिश्नर की जो पावर है वो एक्सरसाइज करे FBR की अप्रूवल के साथ। ये पब्लिक सर्वेंट, मैंने पब्लिक होल्डर ऑफिस आपको कहा था 2018, लेकिन ये 10 साल शुरू कहां से होंगे ये भी एक्सप्लेनेशन लेना बाकी है। डबल एंट्री में आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद स्टेट बैंक जो है बैंकिंग जनरल का प्रोसीजर बताएगा। FAQs कवर हो चुके हैं। एडजस्टेबल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बंदा अगर अंदर स्कीम में आ जाता है उसको तो एडजस्टमेंट मिल जाएगी, ठीक है। अगर वो आउट हो गया तो वो टैक्स आप रिफंड चले ना दें, लेकिन एडजस्टमेंट तो दे दें उसको। ये भी एक बड़ा इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर है कि वो पैसा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और प्लस जो एडिशनल पैसा मुझे चाहिए अगर मैं कंपनी चलाना चाहता हूं तो वो इसके अंदर अपने सोर्सेज से आएगा, वो 5% देके आप वाइट नहीं कर सकते। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत शॉर्ट है। और लास्ट है जी कि इसमें पब्लिक कंपनी जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कंपनी वैसे आप डेफिनेशन जाके जब देखेंगे तो जहां 50% से ज्यादा शेयर फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट के पास होगा, या वो कंपनी जो लिस्टेड होगी ये रेंट पे, वो पब्लिक कंपनी है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको नजर आ रही है लेकिन उसकी शेयर होल्डिंग अगर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास
मेजर पार्ट है, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये थे जी मेरे तमाम शेयरिंग। एक पॉइंट बस मैंने और शेयर करना है, वो मैं पिफा की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने बुक जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री कर दी है, और उसमें मैंने जो फेसबुक का आपका जो ग्रुप है और हमने बनाया हुआ है पेज भी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, वहां पे अपलोड हमने कर दी है वो बुक। तमाम लोग वहां से जाके उसके जो अपलोड वाले वो जो सेक्शन है फाइल्स वाला वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से इतना ही है जी, बाकी मैं हाउस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा जी, अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन आपका है तो वो मेरे साथ आप कर सकते हैं। Dear participants, if you have any question from Sir Naleem Bhatt, kindly raise your hand so that we may ask the question. Sir, we are waiting for the question. और स्पेशली इसमें तो रेवेन्यू जनरेशन लग रही है, तो क्या सर कोई इन्फ्लुएंस लग रही है आपको, किस वजह से ये किया उन्होंने? देखिए पता क्या है, इसका पर्पस जो है ना बेसिकली ये एमनेस्टी नहीं है, पहले मैं तो ये बताता चाहूँ। It is not a general amnesty. It is a specific amnesty. Revival of sick unit, revival of corporate sector. ये पैसा सारा companies के अंदर जाना है। इसमें individual AOPs और कुछ जगहों पे तो existing company भी शामिल नहीं है। 65H अगर जब आप देखते हैं, तो उसमें नई company आपको बनानी पड़ेगी। आप existing में भी नहीं कर सकते, ठीक है? अब तीनों को पढ़ के आपको ये नजर आएगा कि पहले का एक लाइन में अगर मैं आपको क्रक्स निकाल दूं, तो पहले का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिख यूनिट को रिवाइवल के लिए वो सेक्शन डाला गया है। सोर्सेज वाइट होने चाहिए, उसमें एमनेस्टी कोई नहीं है। वो सेटअप होंगे, फायदा क्या होगा कि ब्रॉड फॉरवर्ड, वैसे जब आप एक्विजिशन या मर्जर करते हैं ना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज जनरली एडजस्ट नहीं होते, वो करंट ईयर के मिलते हैं। इसमें उन्होंने ब्रॉड फॉरवर्ड भी आपको दे दिए हुए, पहली बात तो ये है। अब किसके लिए है? सिख यूनिट कंपनी के लिए। क्या फायदा होगा? लॉसेज एडजस्ट होंगे, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। दूसरे में चले जाए, पैसा बाहर से आएगा और वो पैसा आपने कंपनी के अंदर लगाना है और नई कंपनी के अंदर लगाना है, और इट शुड नॉट बी लेस देन 50 मिलियन रुपीज, इससे कम नहीं है। अगर इससे कम हुआ तो आप अंदर नहीं आ सकते और बाकी कंडीशन आपको मेट करनी पड़ेगी। फिर उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन है, फिर आगे पैसा जो जाना है वो बंदे से निकल के चला जाना है, आपके जो डेडिकेटेड बैंक अकाउंट कंपनी का खोलेगा, पैसा उसके अंदर जाएगा। अब लोग इसको कुछ और समझ रहे हैं, ये वो नहीं है, ये जनरल मिनिस्ट्री नहीं है, ये पैसा जाएगा कंपनी के अंदर, फिर उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होनी है, फिर इंजीनियरिंग बोर्ड से आपने उसकी अप्रूवल लेनी है, फिर डिक्लेरेशन है, फिर इसी तरह तीसरा है, उसमें एलिजिबल पर्सन सिर्फ आ सकता है, क्योंकि आपको पता है हर तरह की अमाउंट को वो अलाउड नहीं कर सकते। इस तरह तो फिर हर तरह का बंदा अंदर पैसे लेके आ जाएगा। तो तीसरे में वाइट मनी जरूर है एलिजिबल पर्सन के लिए, वो पैसा लगाएगा, अच्छा पैसा फिर कंपनी में आएगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या नहीं हो, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी, फिर वो चलेगा, फिर वो जॉब क्रिएट करेगा। तो पर्पस जो है ना बड़ा स्पेसिफिक है, इसमें कोई मतलब, हाँ इसमें लिमिटेशंस कुछ जरूर है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है जो हम चाह रहे हैं थोड़ा ओपन करें। जैसे दो तीन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम चाह रहे हैं कि आप कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस करने की डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, बहुत शॉर्ट टाइम है। सिख यूनिट को रिवाइव करना है 30 जून 2026 तक, तो 3 साल में तो वो अपनी चीजें नहीं पूरी कर पाएगा, रिवाइव कैसे होगा, इतना आसान काम नहीं होगा ये, ठीक है? और लैंड के लिए आपने रखा ही कुछ नहीं, ये कौन सी इंडस्ट्री है जो लैंड के बगैर लगेगी? अब रेंटल प्रेमिसेस पे इतने पैसे कौन लगाएगा? चौथा, हमें ये लगता है कि ये पैसे बहुत ज्यादा है, 50 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, तो क्या छोटा, छोटे के लिए तो ये है ही नहीं, फिर छोटा बंदा तो इसमें आ ही नहीं सकता जनाब। 50 मिलियन प्लस जो है वो अमाउंट होगी, तब वो अंदर आएगा इसके अंदर। तो कुछ चेक एंड बैलेंसेज और रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जब रूल्स आएंगे उसमें कुछ ना कुछ, या इसको जब ये अप्रूवल देंगे फाइनल, जब आपका बजट आएगा, तो उसमें काफी हमें इसमें चेंजेस जो है वो एक्सपेक्टेड है। बाकी आपके क्वेश्चन ले लें, क्योंकि मैं तो अपना काम कोशिश की है कि मैं पूरा कर लूं।
जी सर, ये हमारे एक वर्दी पार्टिसिपेंट है सलमान नजीर साहब, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जी 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 सलमान साहब, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बात साहब से सवाल ये है कि जो हमने लोकल एलिजिबल पर्सन जिनको हमने कहा है कि वो 2018-19 की एमनेस्टी रिव्यू से ना डिक्लेरेशन दी हो और बैंक डिफॉल्टर भी ना हो, वो अगर न्यू यूनिट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसको अबव 50 मिलियन शो करना है विद द पेमेंट ऑफ 5% एज टैक्स। मेरा सवाल इसमें सर ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन का एक सर्टन डेट को स्टार्ट होना जरूरी है, तो लेट्स सी कि क्या कोई ऐसी इसमें हम ले सकते हैं कि वो कंपनी में ही फॉर्म करे लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रेडिंग लाइक हो, कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं लेकिन कंपनीज भी हैं, या वो वैसे जनरल ट्रेडिंग में डील करते हैं, तो क्या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम इसमें, इस बारे में देखिए इसके अंदर ना पहली बात या उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ही करना मस्ट है। दो चीजें ना मुख्तलिफ है। पहला क्वेश्चन ये है कि 65H की अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जो डेफिनेशन है वो प्रिवेल करेगी क्योंकि उसकी अपनी कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो वहां आपको मैन्युफैक्चरिंग ही मिलेगा, उसमें होटल इंडस्ट्री का भी जिक्र है, उसमें इम्पोर्टर, उसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को शामिल किया गया था Only for import of plant and machinery. वो वैसे industry undertaking नहीं है, ठीक है? और होटल आया 19 या 20 में add हुआ है, तो उसके losses कहां से आएंगे, वो कैसे cover होगा? ये भी आपको industry undertaking की definition में आपको बता रहा हूं। तो घूम फिर के जो मुझे लग रहा है कि उसमें manufacturing ही बच जाता है, importer और दूसरे वाले लोग इसके अंदर शामिल नहीं है। दूसरा आपको जरा समझ आ जानी चाहिए, अगर वो कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग है तो importer ने प्लांट एंड मशीनरी क्या कर रही है, वो तो लगाएगा नहीं प्लांट एंड मशीनरी, वो तो मंगा के बेच देगा। उसने बिल्डिंग क्या करनी है, वो तो एक गोडाउन रेंट पे लेके चीजें स्टॉक करके तो बेच देगा। तो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर जो वो चार देखे, फिर इसके साथ जॉब भी क्रिएट होनी है ना, खाली इन्वेस्टमेंट ना देखे, ये प्रमोशनल पैकेज फॉर इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की प्रमोशनल पैकेज है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब ऊपर आएगा तो लेबर, एडमिन, मार्केटिंग, सारे लोगों के लिए जॉब भी क्रिएट होएगी ना, वो भी देखे आप। खाली ये ही नहीं है कि रिवाइवल करना है, रिवाइवल विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। ये मैंने एक सेशन किया था, अपलोड भी किया था, मैंने कहा था पैसा आने दे लेकिन उसका पर्पस स्पेसिफाई कर दे आप, ताकि आपके मुल्क में पैसा आए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा इस्तेमाल हो। तो मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया होगा कि आपके वाला जो है वो इसके अंदर शामिल फिलहाल नहीं है। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त में अगर वो कर दे तो मैं कह नहीं सकता, फिलहाल ऐसी कोई चीज इसमें अवेलेबल नहीं है। जी कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू सर। देयर इज अनदर क्वेश्चन, डॉक्टर मुदस्सर हुसैन साहब हैं। जी सर, डॉक्टर साहब प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप फैसलाबाद से बोल रहे हैं? मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं लेकिन सर्व कर रहा हूं फेडरल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट हूं मैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, तो मैं तो वैसे इन एलिजिबल पर्सन की लिस्ट में आ गया हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ माय ओन नॉलेज मेरे कुछ फॉरेन में फ्रेंड्स हैं, कोई पूछ लेता है ये जो सिक यूनिट उसकी डेफिनेशन बड़ी आपने प्यारी मुझे समझ आ गई, बड़ी सिंप्लीफाइड है, लेकिन सर ये सिक यूनिट्स की डेक्लेरेशन कौन सा इदारा करता है? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड करता है या पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कौन करता है? और सिक यूनिट्स की लिस्ट जो गजटेड नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक यूनिट्स डिक्लेयर हो चुके हैं वो ऑफिशियली कहां से मिलेगी? काइंडली बस मेरा सिंपल जी, वो तो लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन और भी है। सिक यूनिट के बाद जब आपने उसकी असल क्वेश्चन ये है कि उसकी रिवाइवल करनी है आपने, उसका उसका पर्पस पता क्या है? अगर आपने प्रोडक्शन लेवल वो अचीव कर भी लिया जब वो सिक था, सिक होने से पहले, तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके जो अकमुलेटेड लॉसेज है ना उसके, वो उसके शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बराबर या ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगले सालों में अगर बराबर या ज्यादा हुआ तो रहेगा वो सिक यूनिट ही फिर भी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसको एटलीस्ट प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा सिक यूनिट को, जो कि आसान काम नहीं होगा। अब रही बात लिस्ट की, तो वो आप इनसे मांग सकते हैं कि सिक यूनिट की लिस्ट जो है गूगल पे सर्च कर ले, वो अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं है तो फिर हम स्टेट बैंक से ही अदरवाइज आपको पता करा देंगे कि आपको लिस्ट किधर से मिलेगी। लेकिन उसकी कंडीशंस उन्होंने तीन लिखी हुई है। उन्होंने कहा लगातार 3 सालों में लॉसेज हो,
अगर देखिए, एक तो हो गया फेडरल गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया वो उन्होंने लिख दिया, वो हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने लिख दिया कि अगर आप 3 साल लगातार डिफॉल्टर हैं बैंकिंग के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन्स के, आप सिक यूनिट है। तीसरा, अगर आप लगातार 3 सालों में आपके जो एक्युमुलेटेड लॉसेस है आपकी इक्विटी और प्लस आपके जो रिजर्व है उसके बराबर या ज्यादा होंगे तब भी आप सिक्योरिटी रहेंगे। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर मेट हो गई तो आपने एक वजह से नहीं, दो या तीसरी या तीनों की वजह से आप सिक्योरिटी में रहेंगे या हैं आप। डॉक्टर साहब कोई और सवाल है? नहीं सर, आई एम क्वाइट क्लियर, आई एम क्वाइट क्लियर। ये सिख का रिवाइवल जो मैं टेक हूँ, मेरे लिए है एज एन ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, मैं पाकिस्तान ऑडिटर एंड अकाउंट सर्विस से बिलोंग करता हूँ, तो मसला ये हुआ कि टोटली हेल्दी यूनिट बनाना ना, इट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बताता चलूं, इस ये ना ये जितने भी सेक्शन है ना, 3 जो ऐड किए गए हैं और एक अमेंड किया गया है, इनमें ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप कोई कंडीशन या कंडीशन नहीं मेट कर पाएंगे तो आप जिस तरह चाह रहे हैं उसको उसी तरह चला लें। अगर आपको लगता है कि टेक ओवर करके बड़ी प्रॉब्लम होगी तो सिख को वैसे आप रिवाइव कर ले, दूसरे ने भी तो रिवाइव करना है ना उसको, तो आप कर ले उसको खुद। अगर आपको लगे किसी स्टेज पे कि भाई ये हम नहीं कर पाएंगे तो जरूरत नहीं है अंदर आने की आपको। राइट सर, राइट 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 राइट, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे उसमें आपको ग्रुप भी मिल जाएगा और पेज भी मिल जाएगा। उसमें आप मैंने फाइल ये जो 18 से लेके तो 22 तक की तमाम किताबें अपलोड कर दी हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, और ये नोट्स भी वहीं अपलोड होंगे, आपको भी दूंगा और आप उसमें से भी डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ें और अपने आप को अपडेट करें। इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, पेज भी है और ग्रुप भी है फेसबुक पे। जी जनाब, कोई और सवाल देखें? सर वही क्वेश्चन है दोबारा जो आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि इतने शॉर्ट पीरियड में कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकती, जैसा कि डेडलाइन आपने मेंशन की, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए। देखें अब क्या होता है, लेट द टाइम टू डिसाइड। ऑब्वियसली वो भी सोचेंगे कि जब बाद और सारे लोग इंडस्ट्री कह रही होगी तो उसको देखेंगे कि यार इसको थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड किया जाए। देखें ना, पर्पस क्यों ऐसे है, उसकी वजह ये है कि उसमें उन्होंने जॉब भी तो क्रिएट करनी है ना उसकी। अगर पैसा ब्लॉक हुआ कल को बंदा बेच के निकल गया, देखें डेडलाइन है 26 तक या आगे 27 में होल्डिंग होना लाजमी है उसकी, तो टाइम टाइम उनके लिए भी बड़ा कम है ना। तो वो कुछ बार बार टेबल टॉक करके ये सजेशन दे के उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट की जा सकती है। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन लेजिस्लेटिव सॉर्ट है कि ये अभी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है जो कि 90 डेज जिसकी वैलिडिटी है, 120 दिन, सॉरी 120 दिन, इन 4 महीने उस दौरान आ जाना है बजट सेशन। बिल्कुल, तो बजट सेशन में गुंजाइश होती है, ये थोड़ा सा मेरी कम इल्मी कह दें, कि इसकी जो क्लाजेज हैं, कोई जो लिमिटेशंस हैं। जी जी, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। तो वैसे काइंडली मुझे क्योंकि यू आर इन द फील्ड, आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो ये जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि बिजनेसमैन वहां से मतलब व्हाट यू आर स्पीकिंग दैट इज बेसिकली वॉइस फ्रॉम द चैम्बर्स। देखिए पता क्या है, बार्स, क्योंकि मेरा 2 एसोसिएशन से लाजमी रिलेशन है, एक बार्स टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार, मुल्तान टैक्स बार, ठीक है, और जितने भी बार्स चल रही, पाकिस्तान टैक्स बार भी है इसके अंदर शामिल है। अब एलसीसीआई की जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टैक्स कमेटी का भी मेंबर हो, उसमें भी ये सजेशन डाल दी गई है। आप बेफिक्र हो, दोनों तरफ से आ रहा है, उधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। डॉक्टर साहब कोई और सवाल तो नहीं है?
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं जो कि मैं आपसे जाती तौर पे अपने प्रोफेशनल गाइड के लिए, तो उसका मुझे काइंडली होस्ट गुराया साहब, चोई साहब मुझे सर से ना एक पर्सनल अपने कैरियर रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करना है। तो आई वांट टू हैव मतलब मैं इनको क्वेश्चन कैसे भेज सकता हूं अपना? सर का नंबर है, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम मेरा प्रोवाइड नंबर दे करते हैं, दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिएगा। हम आपको इस तरह सपोर्ट कर देंगे। एनी अदर पार्टिसिपेंट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिगार्डिंग आज के वेबिनार से मतलब कोई क्वेश्चन पूछना सकता है, जो चाहता है तो सर पार्टी इज अवेलेबल। जी तो सर देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन, सो इट्स टाइम टू हैंड ओवर टू आवर कन्वीनियर सर इब्ने अब्बास अशरफ साहब, हु इज आल्सो इन द मीटिंग फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। सो सर इट्स ओवर टू यू सर इब्ने अब्बास साहब। जी गुराया साहब, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले तो भट्ट साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, और भट्ट साहब हम प्रोफेशनल्स के लिए एक टॉर्च बेरर हैं। जहाँ भी हम प्रोफेशनल्स कहीं फंसते हैं तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भट्ट साहब की खिदमात हासिल करते हैं। और आज का वेबिनार वक्त की एक अहम ज़रूरत था। आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर जब तक आप अप टू डेट नहीं होते, चीज़ों को आप सांस लेके नहीं चलते, तो उस वक्त तक आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। पिफा ने हमेशा कोशिश की है कि जो अपने मेंबर्स और अपना हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके नॉलेज अपग्रेडेशन के हवाले से जो इकदाम कर सकते हैं वो करें। और स्टार्ट के अंदर भट्ट साहब ने कहा था कि फैसलाबाद ब्रांच कमेटी की तरफ से ये वेबिनार कर रहे हैं। एक तो मैं भट्ट साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हम लाहौर ब्रांच कमेटी की तरफ से भी इसको कर रहे हैं, और जी तो इसमें हम इंतहाई मशकूर हैं आपके आपके वक्त के लिए, आपके जो आपने नॉलेज हमारे साथ शेयर किया उसके लिए। और मैं तमाम मेंबर्स और तमाम पिफा स्टूडेंट्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि पिफा के साथ जो आपकी मोहब्बत है आप इसको कंटिन्यू करेंगे और हम बिल्कुल सर, प्रोफेशनल्स के लिए हमेशा जो है मिसले रहा रहेंगे। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गोया सर प्लीज ओवर टू यू फॉर द क्लोजिंग। सर थैंक यू वेरी मच। सर एक वेरी सॉरी क्लोजिंग रिमार्क्स के बाद लेकिन एक क्वेश्चन आया है सर, आई नो नहीं, यू जितने आर, मर्जी कोई मसला नहीं, जब तक हम क्लोज नहीं करते कोई भी क्वेश्चन आएगा ले ले आप। हाँ जी वो टाइप टू है सर, तो वो रह गया था तो अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट उन्होंने दोबारा हाईलाइट किया। सर क्वेश्चन इज आर द रीजन ऑफ सोर्स टू बी यूज इन एमनेस्टी कम इन द डोमेन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लीगल फ्रेमवर्क, फर्दर इज द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कवर्ड इन रिवाइवल ऑफ सिख यूनिट्स। ये सर आपकी चैट में भी आ रहा होगा। दो 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 क्वेश्चन आए हैं। पहला तो ये है कि आपने ये कहा कि देखिए, मैंने आपको बीच में कह दिया था कि इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी की हद तक प्रोटेक्शन है, इसमें डायरेक्टली आपको ब्लैंकेट नहीं दिया गया कि आप सेल्स टैक्स या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या अदर लॉस से प्रोटेक्टेड है, ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं है। तो इट मींस कि फर्ज करें मैं अगर 100 मिलियन लगाता हूं पाकिस्तान के अंदर, 5% में पे कर देता हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं एलिजिबल पर्सन हूं, फर्ज कर लेते हैं, कल को मुझे अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस आ जाता है तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता कि जी मुझे ब्लैंकेट दिया गया है और आप मुझसे सवाल ना करें, ये पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर वो प्रोटेक्शन नहीं है। पिछली जो मिनिस्ट्री आई थी ना 2019 वाली, उसके अंदर अदर लॉस से स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन दी गई थी, इसके अंदर ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको पहले बताता चलूं। अच्छा, और दूसरा सवाल आपने क्या किया कि आप रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं। देखिए बात यह है कि उन्होंने एक प्रोसेस आपको बताया है कि आपने मेजर शेयर होल्डिंग को अक्वायर करना है, अगर वो आप नहीं करते और उसकी प्री कंडीशन को मेट नहीं करेंगे तो फिर आप जो सिक यूनिट होगा उसके लॉस को फिर आप सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे ना, आप समझने की कोशिश करें। अच्छा स्पेसिफिक रिलीफ क्या है, सरेंडरिंग ऑफ लॉस का सेक्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो तो 59A या बी है मेरा ख्याल है, उसमें ग्रुप टैक्सेशन भी है ग्रुप रिलीफ भी है, तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये है कि ये आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को भी एडजस्टमेंट दे रहा है, उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ इसकी प्री कंडीशन अलग है उसकी अलग है, तो ये एक सर्वाइवल ऑफ सिक यूनिट है, रीस्ट्रक्चरिंग की इसकी बात नहीं हो रही। आपने जो कंडीशन 59C के अंदर दी हुई है वो मेट करनी है तब आप इसके अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज और कोई चीज इसके अंदर नहीं है। मेरा ख्याल है
वो दोनों का मेरे सवालों का जवाब आपका दे दिया है। कोई और भी सर क्वेश्चन हो तो जरूर करें आप। सर थैंक यू वेरी मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर टुडेज वेरी वेरी नॉलेजेबल सेशन सर। वी विल कंटिन्यू टू डिस्टर्ब यू, जब भी हमें टैक्सेशन की बात आएगी हम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं हाजिर, कोई मसला नहीं है सर। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और थैंक यू वेरी मच जी। इट्स ओवर फ्रॉम हेयर, आज के सेशन का हम इख्तिताम करते हैं और जल्द इंशाल्लाह कोई नया नॉलेज बेस्ड सेशन लेके अपने पार्टिसिपेंट के लिए हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।